वंदे गुरुपद द्वंदम भक्तबिंद समन्वितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्यानंद सहोदित श्री नंद नंदन वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीयन समायुक्त बिंदवनम वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु व्यवचु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव वृंदावई तुलसीदेव वै पिया वै केशव कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्वत्वे नमो नमः नारायण नमस्कृत नरंजैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीय पत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्त भक्ति प्रमदाक्ष जगोद्वरुण धेयं सदा परिभवन्नम विश्वदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्तिहं पनुतपालभवद्विभूतं वंदे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विश्वजीत किमी गपवधु स्वदर्श पूर्णानुरागर सगर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा कृपां करोषि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजो कनकावदातु संकेतनैकवितरो कमलायताक्ष विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानां गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषी त्वपामभागम् नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वरानसिपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्यपदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yatha tarar mulni sechanena tippanti taskanda bhujo pushaka prano vaharasya thindriyanam tathaivo sarva arhanam achyudejya. Yatha tararamola nisaichanena tippantidaskanda hujo pusaka prano paharasya thindriyanam tathiva sarva arhanam machuteja. Gauriya Gashivati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagat Guruji ne batai that Bhagavan Vishnu सर्व जीवों का नियामक है, ईश्वर है, परात्पर अखिलेश्वर विष्णु सर्व जीवों का नियामक है. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण. भगवान श्री कृष्ण मूल आधार है सब कोई का. फिर भी अनिरुद्ध विष्णु परमात्मा का रूप में हर जीवों के हृदय में भगवान विष्णु बैठे हुए हैं. कृष्ण से ही आया है, ओरिजिनल कृष्ण ही है. फिर भी तमाम बद्ध जीवों के हृदय में परमात्मा का रूप में भगवान बैठा हुआ है हर हृदय में. और विष्णु सर्वजीवों का नियामक है, ईश्वर है. जीव जो सब कर्म करते रहते हैं संस्कार का अनुसार, पूर्व संस्कार का अनुसार जीव जितना सारे कर्म करते रहते हैं ईश्वर तद अनुरूप फल प्रदान करते हैं. श्रीमद् भगवद गीता में पहले भी चर्चा कर चुके हैं. वहाँ भगवान अर्जुन को बोले थे नादत्त कस्यचित् पापम न चैव सकृतिम विभुम अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः. विभु वस्तु भगवान किसी का पाप या पुण्य का हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये पाप या पुण्य जो है ये बद्ध जीव अपना मनमानी अपना इच्छा का मुताबिक करते रहते हैं. भगवान कभी किसी को पापों में पुण्यों में पुण्यों के लिए वो जुमा नहीं है. बद्ध जीव अपना जब भी ओरिजिनल ओरिजिनल कॉज भगवान ही है. फिर भी भगवान किसी को पाप पुण्य का जो कर्म है इसका जो फल है भगवान इसका जिम्मेदार नहीं है. जब ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सारे काम भगवान के द्वारा ही संपन्न होते हैं. विष्णु सर्व जीवों का नियामक है, ईश्वर है. जीव जो सब कर्म करते रहते हैं ईश्वर तद अनुरूप उसका मुताबिक पूर्व संस्कार जो कर्म करते रहते हैं उसका फल प्रदान करते हैं. पूर्व कर्मानुसार जीवों का जब प्रवृत्ति इंटेंसिटी उसका अंदर में एक प्रवृत्ति पूर्व पूर्व कर्मा का कर्मों के अनुसार जीवों के अंदर में एक प्रवृत्ति का भाव देखा जाता है. प्रवृत्ति ये जो प्रवृत्ति जीव को जीव अपना कर्मों का पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त करते हैं भगवान इसका तो ईश्वर प्रेरणा ईश्वर का प्रेरणा के द्वारा आगे चलते हैं. जो व्यक्ति भगवत चरण में शरणागत है जो गायत्री में मंत्र आता है प्रचोदयात, पूरा मंत्र तो बताएंगे नहीं, प्रचोदयात
सदगुरु चरण में शरणागति के द्वारा जो गुरु चरण में शरणापत्ति सिद्ध हुआ है जिसका, उसका लिए भगवत प्रेरणा डायरेक्ट, भगवत प्रेरणा के द्वारा वो सब अच्छा काम करता है सही रास्ता पे। और जो पूर्व संस्कार खराब है, अपना मनमानी जीवात्मा चल रहे हैं, उसका भी प्रेरणा भगवान से ही आता है। कहाँ से आए? पूर्व कर्मानुसार जीवों का प्रवृत्ति जो होता है ईश्वर प्रेरणा के द्वारा आगे चलते हैं, कर्म करते हैं। जीव करता है, तो कर्ता अहम इति मन्यते, जो पहले चर्चा कर चुके बहुत बार, प्रकृते हे क्रियमानानि गुणोई कर्माणि सर्वशः अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अहंकार विमुरात्मा जितना सारे जीव हैं, अहंकार विमुरात्मा ये अपना ऊपर भरोसा रखने वाले, कर्ता हम इति, वह कर्तापन उसका अंदर में कर्तापन है, कर्ता हम इति, हम ही कर्ता है, कर्म करने वाले, वो जानते ही नहीं जो प्रकृति क्रियमान है। प्रकृति क्रियामाननी कैसे होता है? पहले आप बता चुके प्रकृति वो तो इनाड वस्तु है, जड़ वस्तु है प्रकृति। हाँ, प्रकृति तो जड़ वस्तु है, लेकिन प्रकृति का अंदर में प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा अनंत काल से रहते हुए एक दूसरे का जो अंदर में प्रविष्ट होके ऐसा समा गया कि एक दूसरे को अलग करना बाहरी दृष्टि में बहुत मुश्किल है। ये भाव को समझना चाहिए पहले। जैसे कि प्रकृति में 5 एलिमेंट्स हैं, खेती अपों तेज मरुद बोम, ये पांचों भूतों से ये शरीर बना हुआ है। ये तो ठीक है, पंचभूतों से शरीर का निर्माण। उसके बाद जो सूक्ष्म गुण है, रजतम गुण, सब सारी जो है भूमि राप अनलो खंग मनो वायु बुद्धि रे वच अहंकार इतियंग में प्रकृति अष्टधा, 8 प्रकार का अहंकार भी है। सृष्टि का जो प्रकरण है उसमें कैसे कैसे डिवीजन होते होते आगे चल रहा है, ये समझ लेना चाहिए। प्रधान डिवीजन होके कैसे कैसे हो रहा है, फिर पंचतन्मात्रो पंच महाभूत पंचतन्मात्रो जो है सब कुछ, कर्मेंद्रियो पंचो कर्म ज्ञानेन्द्रियो सारे धीरे धीरे आ रहा है, सृष्टि का प्रकरण में आता है। तो मेरा कहने का मतलब है प्रकृति क्रियामानानी, ये शब्द सुन के लगता है कि प्रकृति क्या करता है। जब आप बोले प्रकृति इनाड है, जड़ है, हाँ प्रकृति जड़ है, लेकिन ये प्रकृति का अंदर सारे जो माया है ये सब है, त्रिगुण है, त्रिगुणात्मक। उसके बाद माया जो है, माया का प्रभाव के द्वारा ये एक दूसरे का गुण, पुरुषों पुरुष का साथ, जीवात्मा का साथ, प्रकृति का कोई लेना देना है नहीं, बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अनंत काल से रहते हुए ऐसा संबंध बन गया, चेतन आत्मा प्रकृति का अंदर में ऐसा इंट्रोड्यूस जो प्रविष्ट हो जाता है कि लगता है कि जैसे प्रकृति का गुणावली जो है सत्व रजतम गुण नचाता है, ये प्रकृति का जो त्रिगुण है ये नचा रहा है। ये त्रिगुण जो ये भी इनाट है, ये भी अप्राकृत नहीं है, जड़ वस्तु है। तो इसका प्रभाव ऐसा है कि जीव मानो कि लगता है कि प्रकृति क्रियामान यही काम करा रहा है। जैसे कुंती देवी जी ने बताए, नटो नटो धर्म यथा, जैसे एक काला धागा सुतली के प्रभाव से पुतली नित्य करते रहते हैं,
ऐसा ही है। तो इसीलिए प्रकृति क्रियामानानी गुणई कर्माणी सर्वशः आत्मा निर्विकार है। आत्मा का ऊपर प्रकृति का किसी प्रभाव चलता नहीं, लेकिन चल रहा है। कैसे? बोले ये गलत गलत फहमी है। इसका अंदर में ये भाव आ गया कि इस शरीर को मैं बुद्धि, शरीर मन, इसमें जो स्थूल शरीर है और कारण शरीर सूक्ष्म शरीर है, तमाम जड़ वस्तु है। सूक्ष्म शरीर जो है इसका इसका जो गठन है, इस कैसे भले चार चीजों से बना हुआ है, चार चीजों से ये सूक्ष्म शरीर कारण शरीर बना हुआ है। मन बुद्धि चित्तो, मन बुद्धि चित्तो अहंकार, ये सारे ये जो मन बुद्धि चित्तो अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर, जब तक ये सूक्ष्म शरीर अर्थात कारण शरीर का रैप्चर एकदम तोड़ फोड़ ना हो जाए, चूर चूर ना हो जाए, जैसे भक्ति में ठाकुर कीर्तन में बताएं, लिंग भंग हो या ना ऐसे लिंग भंग, लिंग शरीर भंग करना जरूरी है। भजन करते करते लिंगो शरीर अर्थात कारण शरीर, अभिमान शरीर को रखने से कोई फायदा नहीं। भजन का नाटक चल रहा है लेकिन भजन का फल नहीं मिल रहा है। क्यों? कैसे मिलेगा? सो प्रकृत प्रकृति क्रियमानानी गुणई कर्मानी अवसह अहंकार विमुरात्मा, अहंकार के द्वारा घेरा हुआ है अज्ञान से, और कर्ता अहम इति मन्यते। ये अहंकार विमुर आत्मा गण, इनको कर्मकांडियो बुद्धि ये यही जानता है, ये अभ्युदयवादी, अतत मैं कर लू करके दिखाएंगे अर्होवादी, मोक्षवादी ज्ञानी योगी अपना चेष्टा के द्वारा ऊंचा चलना चाहता है। ऊंचा ज्ञानी जीवन मुक्त दशा पाइनु करी माने, वस्तु तो बुद्धि शुद्ध न है, हैं ये जो श्लोक है इसमें चैतन्य चरितामृत में ही है। ज्ञानी ब्रह्म होने के लिए व्यस्त है, एक क्षुद्र जीवात्मा इन्फिनाइटिसमल, जिसका बारे में बताया गया गीता में, बालक रो भागस्व शतभागस्व शतधा कल्पितस्य, इतना क्षुद्र है। सो ज्ञानी जीवन मुक्त हो गया ऐसा मानता है, ब्रह्म होने का ख्वाब देखता है, ब्रह्म होने का आशा रखता है। क्षुद्र क्षुद्रात क्षुद्र, ये एकदम सबसे बड़ा जो ब्रह्म पद, उसका चेयर को आसन को खींचना चाहता है, ऐसा स्थिति है। प्रभुपाद कहते हैं जे पूर्व कर्मानुसार जीव का प्रवृत्ति जैसा है, प्रवृत्ति का अनुसार डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे प्रेरणा भगवान से ही आता है। जो संपूर्ण शरणागत है उसका भगवान के द्वारा डायरेक्ट कंट्रोलिंग, और जो माया में बसभूत है वो भी भगवान ही कंट्रोलिंग कर रहे हैं माया के द्वारा। जीवों का अंदर कर्ता हेतु प्रजोजक कर्ता ईश्वर, जीव जो है हेतु कर्ता व प्रजोजक कर्ता, ईश्वर प्रजोजक कर्ता। भगवान जीवों को बद्ध दशा में ले जाने के लिए कोई जिम्मा नहीं है। जीव अपना अपना कर्मफल जो रखते हैं, बीज कर्मफल बीज, इसका ऊपर से बारिश हो जाए अर्थात भगवान का इच्छा हो जाए तो आगे चलता है। तो इनडायरेक्टली भगवान का हाथ में ही है सारे कंट्रोलिंग। जीव का जो
जो कर्मों का जो बीज है वो तो है ही है, और ऊपर से अगर बारिश ना होए, जैसे बीज बो दिया जमीन पे लेकिन बारिश नहीं भाई, तो जीव क्या काम, बीज क्या काम का। तो जीव हेतु करता व प्रजोज्य करता और ईश्वर प्रजोजक करता। जीव अपना कर्मों का कर्ता बनना चाहता है, बन के बैठा हुआ है, और कर्म का द्वारा जो फल होता है कर्म फल का अधिकारी भोग करना चाहते हैं। ऐसा करके आगे चलता है। सो कर्म फल जो है भगवान कैसे दे रहा है ऐसा बताया। शरणागत भक्तों को भगवान स्वयं चालित करता है, और बहिर्मुख जीवगण को माया शक्ति के द्वारा चालित होता है, वो भगवान ही है, भगवान का शक्ति है, सारे भगवान का द्वारा कंट्रोलिंग है। गीता चर्चा करते करते जब ऐसा भगवान ने बताए छठा अध्याय में 47 श्लोक में, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो ओपी मतो अधिकः, कर्मीभ्य अधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। योग एक ओपन टर्म है, पैसे पहले बताया था। और ये जो तपस्या जो है, तपस्या का बारे में बताया गया कि तपस्या मतलब जो कृच्छ चंदायन आदि तपो निष्ठेभ्यो, अर्थात तपस्विभ्य मतलब कृच्छ चंद्रायनादि तपो निष्ठेभ्यो, कर्मीभ्यो मतलब इष्टापूर्ति कर्मकारीभ्यो। सीधर गोस्वामी पाद जी ने बताया, सीधर सीधर साई पाद। और ज्ञानीभ्यो ज्ञानम अत्रो शास्त्रो पंडित्वम ऐसा करके तपस्वी जो लोग अर्थ चंद्रो चंद्रायन आदि तपस्या करते रहते हैं, चंद्रायन आदि तपो जो लोग कृच्छ साधो चंद्रायन आदि वो तो व्रतनिष्ठ है, वो तपस्वी है। और कौर्मी जो लोग सर्ग आदि फल कामना में है, जाग यज्ञादि कर्मकांड में रहते जोड़े रहते हैं, ये कर्म है। ये कर्मी जो कर्म करते रहते हैं उसका फल भोगने के लिए सर्वदा तरसते रहते हैं, हर वक्त स्वर्ग आदि फल कामना करते रहते हैं। और योगी तपस्वी कर्मी ये दोनों से ही श्रेष्ठ, क्योंकि ये योगी आत्मनिष्ठ है, कम से कम ये आत्मनिष्ठ है, और ये लोग आत्मनिष्ठ नहीं है। ये जो तपस्वी कर्मी ये लोग आत्मनिष्ठ नहीं है, तत्वज्ञानी नहीं है, सर्वत्र समदर्शी नहीं है, इसलिए ये लोग श्रेष्ठ नहीं है। भगवान योगी को श्रेष्ठ माना है, तो योगी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ की रूप कैसे, योगी ज्ञानी से भी श्रेष्ठ कैसे हो गया। टीकाकार वन कहते हैं कि ज्ञानी डायरेक्ट ज्ञान है, जो पदार्थ ज्ञान मेटेरियल नॉलेज जो डायरेक्ट ज्ञान, ये ज्ञान ऐसे तो दो किस्म का बोला गया, लेकिन तीन किस्म का है। एक है मेटेरियल नॉलेज प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट जो सेंस ऑर्गन के द्वारा अनुभव में आता है वो डायरेक्ट ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। और एक है परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान जो लोग शास्त्रोक्त ज्ञान है, जे लोगों का शास्त्रोक्त ज्ञान है, आत्मा जीव जगत ये सब क्या है, शास्त्र अनुशीलन के द्वारा थोड़ा बहुत समझ में आया है कि तो आत्मानुभव हुआ नहीं, ये परोक्ष ज्ञान है, समझा।
प्रत्यक्ष ज्ञानी सेंस ऑर्गन के द्वारा मेटेरियल मन के द्वारा जो देखता वही, जो देखा नहीं जाता वो मानता नहीं। ये जड़वादी है, ये लोग जड़वादी है, परिपूर्ण जड़वादी है। तो ज्ञान जो है तीन किस्म का माना गया। एक है प्रत्यक्ष ज्ञान सेंस ऑर्गन के द्वारा नापने वाला, है ना, ज्ञान जो है। और परोक्ष ज्ञान जो हमने बताया, शास्त्रों का थोड़ा नॉलेज है, शास्त्रों के ज्ञान है, और आत्मा जीव जगत ये सब क्या है इसका मैं थोड़ा बहुत नॉलेज है, शास्त्रों अनुशीलन के द्वारा सब समझ में आया, लेकिन इसका डायरेक्ट अनुभव नहीं है, इसका डायरेक्ट अनुभव नहीं है, किंतु आत्मानुभव हुआ नहीं, ये है परोक्ष ज्ञान। और जिसका प्रत्यक्ष आत्मदर्शन हुआ, इसका प्रत्यक्ष आत्मदर्शन हुआ, अपरोक्ष ज्ञान जो बोला है, जिसका प्रत्यक्ष आत्मदर्शन हुआ है, तत्व मुखस्थ नहीं किया है, तत्व को अनुभव किया, तत्व का जो अनुभव है दिल में उतर आया, ये अपरोक्ष ज्ञान। जैसे एक उदाहरण दे दे, कोपिल जी महाराज आविर्भाव है, फिर भी कर्दम ऋषि संन्यास लेके चले गए। अब प्रश्न आता है, महाराज संन्यास क्यों लेता है? भगवत प्राप्ति के लिए, तो भगवान उसको मालूम है घर में भगवान आया है, घर में भगवान ही तो आया है, और क्या है, कपिल जी महाराज भगवान है। तो इस सपने में भी आया, भगवान ने बताया भी है, पूरा जानकारी है, फिर भी प्रबोज्या संन्यास लेके चले गए। अब प्रश्न आता है, हमारा किस लिए लिया, क्या दरकार था संन्यास लेने का? यह कारण है, प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान वो तो हुआ ही है, और अपरोक्ष ज्ञान भी नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन अपरोक्ष ज्ञान में संपूर्ण प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्ति करने के लिए, अर्थात जो ज्ञान आज तक प्राप्त हुआ उसको एकदम डाइजेस्ट करने के लिए, पूरा एकदम अनुभव के साथ, अपना जो ज्ञान है अनुभव के साथ अपना हृदय में लाने के लिए, कपिल जी महाराज से बात करके और पत्नी देवाहुति जी से बात करके प्रबोज्याय ग्रहण किए, संन्यास ग्रहण करके चले गए, क्योंकि ये अपरोक्ष ज्ञान, जो ज्ञान पूरा अनुभव में उतर आए, पूरा ज्ञान तत्व दर्शन हुआ, तत्व अनुभव हुआ, ऐसे यहां जो ज्ञानी ये ज्ञानी से योगी श्रेष्ठो बोलने से, ये जो भगवान ने इधर बताए कि ज्ञानी अपेक्षा योगी श्रेष्ठ हो, ज्ञानी से भी योगी श्रेष्ठ है, ये बोलने से शास्त्रोक्त ज्ञानी व परोक्ष ज्ञानी को ही लक्ष्य किया गया। किंतु केवल शास्त्रोक्त ज्ञानी व शास्त्रोक्त ज्ञानी ये सब कोई जानता ही है, केवल शास्त्रोक्त ज्ञान शास्त्रों को मुखस्थ किया अनुभव में आया नहीं, इसे तो योगी बड़ा है ही है, केवल शब्द ज्ञानी व शास्त्र ज्ञानी से योगी बड़ा है, ये सब कोई का मत है, ये सब कोई का मत है। और भगवान में ये बोला, ये हमारा भी मत है, अर्थात मतलब ये है जे सर्व प्रकार साधक से आत्मज्ञानी को श्रेष्ठ बोला गया, सर्व प्रकार साधन का अंदर आत्मज्ञानी को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया, क्योंकि ये मुक्त है। किंतु भगवान कहें कि योगी
आत्मज्ञानी अपेक्षा भी बड़ा है। क्यों ऐसा बोला? कारण गीतोक्त योगी केवल आत्मनिष्ठ आत्माराम नहीं है, समझा मेरा बात? भगवान कहे जो ठीक है, आत्मज्ञानी तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, लेकिन भगवान डिक्लरेशन दिए हैं ये आत्मज्ञानी मुक्त है, किंतु भगवान बोले कि योगी आत्मज्ञानी से भी बड़ा है, क्योंकि गीतोक्त जो योगी है ये केवल आत्मनिष्ठो आत्माराम नहीं है, सर्वभूतानुकंपी सर्वभूत हिते रतहा निष्काम कर्मी एवं भगवान के साथ जोड़ा हुआ है। गीता का छय अध्याय एक श्लोक, गीता का छय अध्याय का तीस नंबर श्लोक, गीता का छय अध्याय का 31 नंबर श्लोक, गीता का छय अध्याय का 46 नंबर 47 नंबर श्लोक सारी यही बता रहे। गीता का छ अध्याय का 14 नंबर भी एक ही बता रहे, अर्थात ये केवल आत्मनिष्ठो आत्माराम नहीं है, ये योगी जो है जिसका बारे में भगवान बोले हैं, ये जो बोला है तपस्सिभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यो ओपि मतो अधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन। ये जो बताया सर्वभूतानुकंपी सर्वभूत हिते रतः निष्काम कर्मी भगवान के साथ जोड़ा हुआ है, इसीलिए इसको सबसे बड़ा माना गया है। भक्तिविनोद ठाकुर भी उस दिन बताया था पहले विचार में, जितना प्रकार योगी है सर्वपेक्षा भक्ति योगानुष्ठाता श्रेष्ठ है, जो श्रद्धावान होके हमारा भजन में लगते हैं वो योगियों में श्रेष्ठ है। पहले दिन ये सब चर्चा हो चुका है। जो श्लोक दे के शुरुआत किया था वो श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भरा यथा तरर मूल निषेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारस्य जथेन्द्रियाणम तथैव सर्व अर्हणम उच्युतेज्या। इसमें भक्ति योग का रहस्य पूरा है। इसमें यथा तरण मूल निषेच, जैसे वृक्ष का मूल में पानी सेचन करने से तमाम वृक्ष हरा भरा हो जाता है, पत्ता फूल पुष्प सारी जगह नस नस में पहुंच जाता है, पुष्टि तुष्टि पुष्टि। यथा तरुण मूल निषेचन न तिपंती तो स्कंद भुजो पुशाखा, जैसे पेड़ों का जड़ में पानी देने से सारा संतुष्टि है, सारे वृक्ष हरा भरा हो जाए, तुष्ट पुष्टि मिल जाता है। जैसे मुंह में आहार डालने से योग का रूप में स्वाहा, जैसे प्राणों में ये असली विचार है, जो भोजन करने वाले सोचता है कि अपना इंद्रिय तर्पण हो रहा है, लेकिन बाकी जो वास्तव साधु है वो जानते प्राण में आहुति दे रहा है स्वाहा। जैसे आग में जैसे घृता होती है, ऐसे ही प्राण जो है अंदर में पंच प्राण, ये प्राण जो है प्राणों में ये आहार मुंह में डालने का साथ साथ ये सोचता है कि स्वाहा, ये हवन किया। ये जैसे भोजन करने का साथ साथ क्या होता है, यथा तरण मूल निषेचने न तिप्पन्ति तत्स्कंद भुजो पुशाखा प्राणोपहारस यथेन्द्रियाणा, जैसे मुंह में आहार डालने से सारा शरीर तुष्टि पुष्टि होता है, ऐसे ही माना गया भगवान विष्णु को भुवन द्रुम, द्रुम माने भिक्षु, जैसे गीता में बताया गया ऊर्ध्व मूल मधो शाखम,
ये वृक्ष का संसार नामक वृक्ष का जड़ है ऊपर, ये कोई किसी को पता नहीं। भुवनद्रुम भगवान तमाम अनंत सृष्टि का जड़ है, मूल है। तो ये मूल में अर्थात विष्णु चरण में अर्थात भगवान, विष्णु शब्द यूज किए इसलिए है व्यापक। जैसे रासलीला में भी ये विष्णु शब्दों का प्रयोग किया सुखदेव जी गोस्वामी, इसका कारण एक ही है। जब भी कृष्ण का चर्चा, रास तो विष्णु ने नहीं किया, कृष्ण भगवान किया, फिर भी विष्णु शब्द यूज करके हम लोगों को सावधान कर दिया कि कृष्ण का लीला विलास जो है बद्धजीवों का समझ में नहीं आता है, गलत समझते हैं। इसीलिए इच्छा करके सुखदेव गोस्वामी जी सावधान कर दिया, देखो विष्णु है, विष्णु मतलब सर्वभूतेषु जो विशति, जब सर्वभूत में जो प्रविष्ट होकर रहता है वो विष्णु है। परमात्मा का रूप में हमारा इधर में सब कोई का इधर में है। गोपीगणों का जो स्वामी है सब कोई का इधर में बैठा हुआ है। कौन परमात्मा? भगवान है। गोपी नाम तत्पति नाम चैव सर्वेशामेव देही नाम जो अंतश्चरः स्वाध्यक्ष किरण नेह देह भाव। जैसे उदाहरण दिया गया, जब पूरा जैसे गोपीगणों के हृदय में गोपियों का जो स्वामी है, जोग माया का सृष्टि एकमात्र भगवान का ही लीला है। ये जो विशेष है इसमें हर जीवों का अंदर में भगवान बैठा हुआ है। सुखदेव गोस्वामी ये चीज बताया, गोपियों का अंदर में, गोपियों का जो स्वामी है उनके अंदर में, सर्वभूत में भगवान है, इसको समझाने के लिए भगवान ये बताया। जब ये ऐसे ही भगवान का भजन करने से, जैसे वृक्षों का जड़ में पानी देना, भगवान और भगवान भुवनद्रुम है, अनंत ब्रह्मांड का जड़ है, मूल है, भगवान है। भगवान का चरण में भजन करने से तमाम हमारा ड्यूटी, हमारे जितना सारे ड्यूटी है, कर्तव्य कर्म है, हमारा समाज समाज धर्मों, लोक धर्मों, संसार धर्मों जितना सारे है, सारे जो है हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, सारे समाधान हो जाता है। इसको समझाने के लिए ये बताया ये श्लोक। और जो चर्चा हो रहा था दो तीन दिन से एक ही श्लोक का, योगी नाम उपि सर्वेशां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भयते यो मान सौमे युक्तो तमो मतः। ये चर्चा करते भक्तिमोहन ठाकुर जी ने बताए कि निष्काम कर्म जो, ऐसे तो कर्मयोग संभव ही नहीं है जब तक कामना वासना रहता है। जब तक जीवात्मा कामना वासना से जुड़ा हुआ रहता है तो कर्मयोग बोला नहीं जाएगा, यह असंभव है। जब से कर्मार्पण शुरू किया तब से थोड़ा हो सकता है, ठीक है। और निष्काम कर्मयोगों का जो चरम उद्देश्य है एकदम निष्काम भाव से, इसमें निष्काम कर्मयोग आरहन काल में वो जो कर्म प्रदान, पहले निष्काम कर्मयोग का प्रारंभ में, पहले शुरुआत में, ऐसे तो शुरू किया निष्काम कर्मयोग करना, भगवान में अर्पण करो, फिर भी उसका अंदर में कर्तापन रहता ही है, फिर भी उसका अंदर में कर्तापन रहता ही है। जब भी भगवान में दिया है, भगवान से दे दिया, फिर भी जब भी भगवान में समर्पण कर दिया, फिर भी इसका अंदर में कर्तापन रहता है, कर्तापन जाता नहीं, इसलिए कंटामिनेशन है। ये राय रामानंद संवाद जब चर्चा किए, लंबा चर्चा किए, उस समय में ये सब चर्चा दिखा है। जब भी निष्काम कर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं कि लेकिन प्रारंभ में, शुरुआत में, यो हैबिचुएटेड नहीं है,
उसका अंदर में से अहंकार आ जाता है, कर्तापन, हम ही तो किया था, दिया भगवान को, हमने ही तो किया था। निष्काम कर्म योग आरहन काल में भक्तिमन ठाकुर कह रहे हैं कर्म प्रधान रहते हैं, ये कर्मों प्रधान रहते हैं इसमें अंदर में और ज्यादा कुछ नहीं। और जब पूरा प्रतिष्ठित हो जाए, आरूढ़ हो जाने से निष्काम कर्मयुग में, तो आत्मावलोकन, आत्मावलोकन रूप ज्ञान मार्गीय अष्टांग योग द्वारा परमात्म तत्व में समाधि रूप फल प्रदान उत्पन्न करता है। समझा मेरा? पहले निष्काम कर्म जो शुरू किया आरहन काल में कंटमिनेशन है, ये जो कर्म प्रधान रहता है, लेकिन जब प्रतिष्ठित हो जाए तो ठीक है, कर्मो कर्मो निष्काम कर्म जो प्रतिष्ठा, उसका बाद आत्मावलोकन रूप ज्ञान मार्गीय अष्टांग योग के द्वारा परमात्म तत्व समाधि रूप फल उत्पादन करता है। युक्त भाव में विषय शिकार करके क्रमशः धीरे धीरे परमात्म ध्यान बुद्धि लगाते लगाते मन प्रत्याहित तो विषय से प्रत्याहित तो करके जो अवान्तर उसका जो अनवांटेड फॉल्ट है सर्व सिद्धि आदि विभूति आदि ये सब भी छोड़ दिया। इसका बाद ब्रह्म संस्पर्श रूप चित सुखानुभव, समझा मेरा भाव? धीरे धीरे जो अवान्तर अनवांटेड जो फल है ये जो सिद्धि आदि सब उससे भी पड़े हो गया, फिर आगे चला विभूति आदि सब छोड़ दिया, फिर उसके बाद चिन्मात्र अनुभूति ब्रह्मो स्पर्श रूप चित सुखानुभव होता है। यह निष्कर्म कर्म योग का चरम फल है। और ये योग संपूर्ण अतः सिद्धि होने का पहले अगर किसी का पतन हो गया, अतः मर गया, जिसका पतन हो गया या मर गया, भ्रष्टता विषयांतर आकर्षण में चला गया, भ्रष्ट प्राप्त हुआ, भ्रष्ट हो गया, मौत हो गया, वे लोग भी भगवान में कर्मार्पण अभ्यास किया, इसलिए भगवान इतना दयालु है, जो किया तो है हमसो हम हमको अर्पण किया तो मैं ऋणी हो गया, ऐसा करके भगवान इसको कुछ देना चाहता है। मतलब ये लोग भी अगर भ्रष्ट हो गया, इस योग में आरूढ़ होने के बाद सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, भ्रष्ट हो गया, मृत्यु हो गया, फिर भी बहुत जन्मों ये प्रैक्टिस करते गए उक्त योग, बहुत जन्मों के बाद ये कर्म फल लाभ करे, योग फल ये इसको भगवान दे देता है। इसका चेष्टा बेकार में नहीं जा सकता, कभी भी बेकार में नहीं जा सकता। आगे चल के ये विचार आता है, जो तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्येत यावता, ये तावत कर्माणि कुर्वितो तब तक कर्मों का अनुशासन में चले, तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्येत यावता, जब निर्वेद प्राप्त नहीं हुआ, दुत्तर ऐसा करके निर्वेद तत्व किया कुछ नहीं है। जैसे उदाहरण दिया जाए, ये जो सनकादि ऋषि हजारों साल का यज्ञ तैयार की एकदम कर है ना, आ धुआं के द्वारा काला काला हो गया शरीर, कोई निश्चित नहीं है, आशा लगा के बैठे हुए हैं, और बाद में समझ में आया कि कुछ नहीं है, निर्वेद तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्येत यावता, तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्येत यावता, जब तक निर्वेद तत्व तो नहीं हुआ है तब तक ये कर्म करने का उसका तो प्रभाव रहेगा ही, जब तक निर्वेद नहीं प्राप्त हुआ, निर्वेद होने का बाद फिर आगे चल के यह बताया कि तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्येत यावता, और निर्वेद का पहले एक किस्म का निर्वेद ये भी एक भक्ति योग माना गया, पहले ये भी एक किस्म का भक्ति योग माना गया, ये वास्तव भक्ति नहीं है, ये भी एक किस्म का भक्त है,
पहले विषय से पूरा एकदम विषय से एकदम एकदम ऐसा हो गया जो ये सब बेकार। इसके बाद एक किस्म का डिटैचमेंट पैदा होता है, ये प्रारंभिक एक किस्म का लगता है कि श्रद्धा, प्रारंभिक श्रद्धा, प्रारंभिक भक्ति, ये भक्ति नहीं है असली। आगे चल के टीकाकारों ने बताया जिस समय हरि कथा कीर्तन में मन लग गया, हरि कथा कीर्तन में मन लग गया मतलब भगवान का कथा सुनते सुनते लगन लग गया पूरा, पहले तो एक किस्म का श्रद्धा का उदय होता है, गीता में बताया एकादश स्कंद में ये बताया तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्विद्यते यावत मत कथा सवनादौ व श्रद्धा यावत न जायते। जब तक हरिकथा में श्रद्धा का उदय नहीं होता है तब तक कुछ का कुछ बोला नहीं जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। जिस समय मानव का हरिकथा में शुद्ध हो श्रद्धा हो गया, हरिकथा में श्रद्धा मतलब भगवान में श्रद्धा, इस समय एक पहला किस्म का जो श्रद्धा उदय हुआ है एक किस्म का भक्ति योग, लेकिन ये दूसरा किस्म का जो हरि कथा कीर्तन में श्रद्धा हो गया ये दूसरा किस्म का भक्ति योग उदय हो। कर्म करते करते फलों में फल आशा में निर्भर प्राप्त हो गया, इस समय एक भक्ति योग आता है। इसका अपेक्षा ये दूसरा किस्म का जो भक्ति योग है माधव हम परिणाम निराशा, समझा विद्यापति माधव हम परिणाम निराशा, प्रभुपाद हरि कथा में बोलते थे माधव हम पर, हम तो करते रहे तो क्या करे, माधव हम परिणाम निराशा। भक्तिमय ठाकुर बहुत सारे कीर्तन किए हैं। सो कर्म करते करते निर्वेद फल निर्वेद होके प्रथम प्रकार का भक्ति योग होता है, ये परमानेंट नहीं है। इसके अपेक्षा दूसरा किस्म का जो भक्ति योग जो हरिकथा कीर्तन में मन लग गया ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। निर्वेद जानी तो भक्ति योग, निर्वेद आने का बाद जो स्लाइड भक्ति योग होता है ये भक्ति योग टेम्पोररी है, परमानेंट नहीं है। जैसा भक्तों लोग बहुत सारे प्रश्न करता है महाराज मठों में इतना आदमी आता है क्यों चले जाते हैं, क्यों चले जाते, क्या कारण है? इसका कारण है लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। लौकिक श्रद्धा मतलब देखे, किसी को देखा है चलो ये कर ले, लौकिक श्रद्धा ये भी खराब नहीं है लेकिन लौकिक श्रद्धा का स्टेबिलिटी नहीं है। लौकिक श्रद्धा ये लौकिक श्रद्धा धीरे धीरे सीखा है कुछ लेकिन लौकिक श्रद्धा के द्वारा ज्यादा देर तक रहा नहीं जाए क्योंकि लौकिक श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, इसका स्टेबिलिटी नहीं है, कुछ उल्टा सीधा देख दो तर क्या होगा बोल के चला गया। एक उदाहरण दे दे, नकुल प्रभु बोलकर एक भक्त है मायापुर में अभी भी है, लौकिक श्रद्धा का उदाहरण मैं दे रहा हूं। नकुल प्रभु बोल के मायापुर में एक भक्त है जो को पिटपा आगे वहां एक दुकान है, उसका दो लड़का है किसी सार महाराज जी का, लौकी की श्रद्धा का उदाहरण, वो दुकान चला रहा है, बड़ा लड़का स्कूल फाइनल पास किया, पास करने के बाद हमारा साथ देखा हुआ है वृंदावन, सब तो वृंदावन में रहते थे, आया था रथ यात्रा में तो हमको बोला महाराज जी हमारा बड़ा लड़का को मठ में भेज दिया, पहले भी बोला था हाँ, और अभी बोला लड़का को किसी मठ का हम नाम नहीं करेंगे, बोला मठ में भेज दिया, आप तो उसी मठ में कथा करते हो, एक काम करो थोड़ा हमारा लड़का का ख्याल रखना।
हमने पूछा आपका लड़का कहाँ है अभी, अभी कहाँ है, घर से तो मठ में गया लेकिन अभी कहाँ, कौन सी मठ में? बोले अभी महाराज प्रचार में गया है। हम बोला आपका लड़का वापस आ जाएगा। भले क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम, आप देखना आपका लड़का वापस आ जाएगा, क्योंकि आदमी को ध्यान नहीं है ना। स्वशास्त्र मुखस्त कर लिया, मठ में भेज दिया, तिलक माला किया, सब किया, लेकिन उसको प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। हमने बोला आपका लड़का वापस आ जाएगा। बोले क्यों? बोले देखना हम अभी नहीं बोलेंगे क्यों। तो थोड़े दिन बाद, दो महीना बाद, लड़का गाली देते देते बारी घोमकान में आ गया, गाली देते देते। तो बाद में जब देखा हुआ, माना आपने ठीक ही बोला, क्यों ऐसा बोला? और देखो इसका श्रद्धा जो है ये लौकिक श्रद्धा है, इसका साधु गुरु वैष्णव का आचरण का बारे में कोई आइडिया नहीं है। साधु गुरु वैष्णव कब क्यों क्यों किस लिए क्या करता है, इस सब बारे में कुछ जानकारी नहीं है। और ये जाएगा प्रचार में, तो प्रचार में जाके प्रचार में तो जाना निषिद्ध है। कौन प्रचार में ले जाता है हम तो, हमको हमको कोई मालूम नहीं है, हम जानता नहीं। लेकिन ये प्रभुपाद का अप्रूवल नहीं है, हमारा भी केशव को से हमारा भी नहीं है। बद्धजीव कभी भी प्रचार में ना जाए, चाहे आचार्य हो, काहे सन्यासी, कुछ भी हो, बद्ध अवस्था में प्रचार में ना जाए, क्योंकि उसमें अपना नुकसान दूसरों का नुकसान हर हालत में होते रहेगा। कोई रोक नहीं, किसी का बाबा का बाप का हिम्मत नहीं रुकेगा। तो ये लड़का आ गया, गाली देते थे, हम बोले क्या बोला लड़का? बोले बाप रे, हम तो साधु नहीं बना, घर में है, हमारा आचरण फिर भी ठीक है। हम बोला ना ऐसे ही बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा। तो भजन में पहले जाने का साथ साथ ही किसी भक्तों का पक्का साधु का साथ रखना है, पक्का सत्संग। क्योंकि थोड़ा सत्संग बाकी असत्संग कंटामिनेशन रहे, इसका मन अंदर में हिम्मत नहीं है, कि चित बल नहीं है। जैसे अजामिल का चित बल नहीं है, गिर गया। इसलिए जब तक भजन में स्टेबिलिटी होता, शास्त्रीय श्रद्धा ना बन जाए, तब तक प्रभुपाद किसी को प्रचार तो दूर की बात है, प्रचार तो दूर की बात है, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंस सेवा में कभी भी अधिकार नहीं देते थे। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, भजन का जो सिस्टम है, जो लाइन है, जो रास्ता है, शास्त्रीय विचार है, वो अगर कोई मानना नहीं चाहे तो वो अपना मर्जी है, अपना सर को काटे तो अपना मर्जी है, हम क्या करें। तो ये जो है, लड़का वापस आ गया क्योंकि उसका शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, लौकिक श्रद्धा है। और जो देखा है सब ब्रह्मचारी लोग ये कर रहा है सन्यास, बेहतर, इससे हम अच्छा है, घर में चले आए, तो ऐसा स्वाभाविक है। हमने पहले भी बहुत बार कह चुके हैं कि एक बद्ध जीवों के सामने काल चर्चा करेंगे, पक्का आइडियलिज्म नहीं रहने से हिम्मत नहीं है, वो रहे टिके रहे, हिम्मत नहीं टिके रहे पूरा एकदम। इसका बारे में कल चर्चा करेंगे, खुलासा करेंगे। तो ये जो है निर्वेद प्राप्त हुआ, धूम्राम ब्रह्म धुआं से काला काला हो गया, चतुसन कह रहे हैं। और कीर्तन में विद्यापति जी कह रहे हैं कि माधव हम परिणाम निराशा, परिणाम में निराशा है। तो ये जो है लौकिक की श्रद्धा में ज्यादा दूर तक जाए ना, लौकिक की श्रद्धा अच्छा है, लेकिन लौकिक की श्रद्धा प्राप्त करने के बाद आदर्शों के किसी आदर्शवान साधु का साथ रहना है, उठते बैठते जब तक पक्का न हो जाए, कभी भी गिर सके। इसीलिए मठ में मिनिमम एक तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। कोई पागलपंती है ये हमको बोलता है, महाराज क्या करे, ये तो रहेगा ही मठ में, तो रहेगा मठ में, तो बद्धजीव रहेगा जरूर, इसमें लिए तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन तमाम के तमाम बद्धजीव अपना भूतों के मापी काम कर रहा है, ये तो नहीं चलेगा। अब बद्धजीव तो है ही है, अगर बद्धजीव नहीं है तो मठ में क्यों आया, ये ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई कुछ भी करे, इसी हालत में
अगर 50 ब्रह्मचारी रहे, 50 के 50 कोरप्टेड हो जाएगा, 50 के 50 कोरप्टेड। और भक्तिमोहन ठाकुर जैसे विचार किए हैं, किसी तमगुण रजगुणी व्यक्तियों के द्वारा जो आध्यात्मिक संस्था, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन संस्थापन किया गया, इसमें कोई ज्यादातर कुछ आदर्शवान शिक्षा का प्रचार नहीं हो सकता। इसमें बद्ध जीवों का जो अंदर में, जो बद्ध जीवों का अंदर में जो दुर्गुण का खजाना है, इसका इसका जो मजा चल रहा है, ये देख के संसार का आदमी थुक्कार लगाता है। बद्ध जीव त्रिगुण का अंदर है, त्रिगुण मतलब भक्तों कह रहे रजतम गुणों के द्वारा एकदम प्रभावित जो बद्ध जीव है, ये तमाम बद्ध जीवों के द्वारा एक एक आध्यात्मिक संस्था गठन किया। पूजा चल रहा है, सब चल रहा है, सब चल रहा है, लेकिन ये रजतम गुणी का आंकड़ा है, एक क्लाब है, हमने कोली का क्लाब बताया। इसका अंदर में कोई आदर्शवान शिक्षा प्रचार होना तो संभव ही नहीं है। और जिसने मठ खोला है वो अपने को रोक नहीं सकेगा, और जितना सारे ब्रह्मचर्य सन्यासी, किसी को कोई बचा नहीं सकेगा, क्योंकि ये एक कंटामिनेशन है। जैसे हमने उदाहरण दिया था ना, किसी का अंदर में कोलेरा हुआ है, वो किसी का अंदर में कुछ बीमारी फैल गया, कोरोना, ये कोलेरा हुआ है, कोरोना हुआ है, ये दूसरे को सहायता करने गया, ये दोनों के दोनों बीमारी, इसका कोलेरा इसका अंदर में जाएगा, इसका कोरोना इसका अंदर में, अर्थात एक एक बीमारी पहले था और दो दो बीमारी हो गया। ये साइंटिफिक व्याख्या है, ये साइंटिफिक विचार है। तो ये जो मिनिमम एक पॉजिटिव बद्धजी भजन में आने का साथ साथ उसको एक अच्छा माहौल अगर ना बन जाए तो इसका अंदर में रह नहीं सकेगा, वो चले जाएगा। और शास्त्रीय श्रद्धा मतलब साधु संग करते करते, सेवा करते करते, शास्त्रों का विचार में पूरा निष्ठा आ गया, विश्वास आ गया पूरा शास्त्रीय विचार में, और इसी अवस्था में थोड़ा उसको धक्का मुक्की भी लग जाए, वो गिरने का चांस कम है। ऐसे तो अपराध करे तो कभी भी गिर सकता है, लेकिन कम है। तो इसीलिए शास्त्रीय श्रद्धा और अलौकिक श्रद्धा, ये सबसे बड़ा चीज है। ये भजन में आने का साथ साथ बद्ध जीवों को एक अनुकूल परिवेश देना चाहिए। हम ये नहीं बता रहे कि 100% अनुकूल, 100% अनुकूल अगर हो जाए तो तुम किस काम का साधु गुरु। 100% अनुकूल संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अनुकूल परिवेश देना चाहिए जिसमें इसका भजन का बेसिक परिपुष्टि हो जाए। तो तावत कर्माणि कुर्वितो न निर्वेद्यतो यावता मत कथा श्रवणादो व सद्ध्या यावत न जायते। भगवान का कथा में जब तक मन न लग जाए तब तक है, पहले तो निर्वेद जानी तो भक्ति योग, और उसका बाद द्वितीय प्रकार श्रद्धा जाए तो जो भगवान का जो कथा का आदि कीर्तन आदि सुनते सुनते जो हो जाए, ये जब तक ये ना हो जाए तब तक इसको तावत कर्माणि कुरु, तब तक ये कर्म में रहना ही ठीक है। उसको जबरदस्ती उठा के लाओ चलो मठ में, इसमें गीता में निषेध किया, आगे चल के हम देखेंगे। जिसका अंदर में कुछ नहीं है उसको उठा के लाया, हाँ भक्ति युग में बड़ा महाप्रभावशाली कोई साधु है, वो उसका प्रभाव से किसी का परिवर्तन होना असंभव नहीं है, लेकिन यूजुअली नहीं है। तो तावत कर्माणि कुर्वितो, तब तक कर्म करते चले जब तक इसका अंदर में निर्वेद प्राप्त होके भगवान का कथा कीर्तन आदि श्रवण में श्रद्धा जब तक ना हो जाए। श्रद्धा का माने ये है, श्रद्धा शब्द कहे शुद्धिरो विश्वास, श्रद्धा शब्दों में शुद्धिरो विश्वास, कृष्णों में अर्थात भगवान में भक्ति करने से सारे हो जाएगा, ये विश्वास पक्का जरूरी है। जब तक ना ये हो जाए तब तक ये 6 अध्याय का ये अंतिम पर्याय है,
ये फाइनल कंक्लूजन है वो क्या, जोगी नामोपि सर्वेशाम मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान स्वामी युक्तो तमो मतः, ये युक्तो तमो मतः, जो श्रद्धावान होके मदगत चित्त, जिसका बारे में उस दिन बताया था ना, ये कपिल जी महाराज का, कपिल जी महाराज कीर्तन करके कह रहे हैं कि यथा गंगम वसम मधु भक्ति योगोस्य निर्गुणस्य, ये जो श्लोक बताया था उस दिन, इसका बारे में विचार करना चाहिए। श्रद्धावान जो श्रद्धावानों के मदगत चित्त होकर हमारा भजन करते रहते, सकल योगियों में वो योगी हमारा साथ सर्वापेक्षा अधिक युक्तो 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 तमो मतो हो, समझा, युक्तो युक्तो तरो युक्तो तमो, पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव, युक्तो तमो, समझा, ये युक्तो ये सबसे बड़ा ज्यादा अधिक मेरा सब संयोग रख के चलते हैं, ये हमारा अभिमत है, भगवान ऐसा करके बताया। ये छ नंबर जो अध्याय का ये अंतिम है, छ नंबर अध्याय का ये सर्व अंतिम है इसमें, और ऐसा करते छ अध्याय का समाप्त हो गया, षष्ठ अध्याय समाप्त हो गया। इति महाभारते शत सहस्रांग संहितायां वैयासिक्यां भीष्म पर्वणि श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ध्यान योग नामो षष्ठोध्याय समाप्त, षष्ठोध्याय का समाप्त। अभी सप्तम अध्याय में घुसने का साथ साथ ये विचार प्रस्तुत हो रहा है कि पूरा तमाम छ ये जो पहला गीता में 18 अध्याय के तीन हिस्सा में भाग किया गया, ये जो गीता का जो पूरा गीता 18 अध्याय है इसमें पूरा तीन हिस्सा में भाग किया गया। पहला छ अध्याय जो है ये पार्थ, इसमें पहला छ अध्याय के द्वारा उपासक जीवों का स्वरूप एवं भगवत प्राप्ति हेतु स्वरूप साधन विषय इत्यादि वर्णना किया गया। मध्य भाग के द्वारा किंतु सियो भगवान, सियो उपास्यो भगवान का स्वरूप बोला गया, भक्ति का स्वरूप, भगवान का स्वरूप कैसा, ऐसा और ये जो सप्तम अध्याय है, यह भगवान कह रहे हैं मैं आसक्तो मनः पार्थो योगम जुंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा गैससी तच्छृणु। मैं आसक्त मनः पार्थो, मई आसक्त मना, मई मुझमें आसक्ति जिसका है, निविष्ट चित्तो मदाश्रयो सन हमारा शरण ग्रहण किया, जो योग जुंजन योगानुष्ठान करते करते समग्रम माम संपूर्ण रूप से हैं हमको हैं समग्रम माम असंशयम, नो जो बोला मय्यासक्त मनः पार्थो योगम जुंजन मदाश्रयो असंशयम समग्रम, कोई संदेह नहीं है, ये हमको समझ पाता, हमको जान पाता। भगवान कह रहे हैं कि पार्थो
मुझ में आसक्त चित्त है और हमारा चरण में शरणागत होके भक्ति योग का अनुष्ठान करना शुरू कर दिया, अनुष्ठान करते करते निशंसय कोई संदेह नहीं है, संपूर्ण भाव में हमको जान पाता हम कैसा है क्या है, संपूर्ण रूप का हमको जिस प्रकार से हमको जान हमारा बारे में जानकारी प्राप्त करता है मद विषज्ञ, ये श्रवण करो। मय्यासक्त मनः पार्थो योगम जुंजन मदाश्रयो हो असंशयम समग्रम मांग तथा समग्रम असंशयम समग्रम मांग यथा ज्ञासि तत्सुण। मय्यासक्त मनः पार्थो योग योगम जुंजन मदाश्रयो हो असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञासि तत्सुण। भक्तिमुट कह रहे हैं कि हे पार्थो, अंतकरण का शोधन करने वाले जो निष्काम कर्मयोग सापेक्षा सापेक्षो मोक्ष फल साधक ज्ञान योग पहला छय अध्याय हमने बता दिया, इसमें दूसरा अध्याय दूसरा छय अध्याय में भक्ति भक्ति योग का स्वरूप के बारे में कह रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि भगवान हम में अगर आसक्त चित्त होकर मदाश्रयो योग अभ्यास करते करते मत संबंधियों जो समग्र ज्ञान लाभ करता है कैसे, इसका बारे में जानकारी ले लो। हम कह रहे हैं ब्रह्म ज्ञान रूप जो ज्ञान है ये समग्र ज्ञान नहीं है, ये जो समग्र शब्द यूज किया है इसके द्वारा भगवान कह रहे हैं कि जिसी रास्ता में चले ना क्यों, चाहे तो ज्ञान योगी का योग का रास्ता में चले ज्ञान का रास्ता में चले, ये ब्रह्म ज्ञान रूप जो ज्ञान ये भी आंशिक है समग्र ज्ञान नहीं है, इसलिए असंशय समग्रम मान यथा ज्ञासि हमारा बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता। इस विषय चर्चा करते हुए भक्तिमुनि ठाकुर कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान भगवान कह रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान जो ज्ञान है ब्रह्म रूप जो ज्ञान ये भी मेरा समग्र ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये सविशेष ज्ञान नहीं है, सिर्फ जोड़ियों विषय त्याग करके चिन्ह मात्र आनंद अनुभव ये निर्विशेष चिंता लाभ करा करते हैं। तो इस विषय नो ऐसा जो हमारा निर्विशेष आविर्भाव ब्रह्म हृदय है पहले तार निर्गुण यू नो ये जो है, और भक्ति है निर्गुण भक्ति विशेष, और भगवान का बारे में आ परमात्मा का बारे में जानकारी ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है, ये भी कंप्लीट नहीं है। भगवत तत्व का बारे में जब जानकारी हो जाए ये कंप्लीट ज्ञान है। भक्ति निर्गुण भक्ति विशेष तमाम विशुद्ध भक्ति को अवलंबन करने से ये पद्धति के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि हमारा जो निर्गुण स्वरूप है भक्ति निर्गुण है, भक्ति निर्गुण वृत्ति, भक्ति निर्गुण व्यक्ति भक्त्या अहम एकया लभ्यो, भक्ति के द्वारा ही एकमात्र हम हमारा बारे में जानकारी प्राप्त करना संभव है। भगवान कह रहे हैं भक्ता अहम एकया लभ्य, और ब्रह्म ज्ञान व परमात्म ज्ञान ये भी कंप्लीट नहीं है। बदंती तत्त्वविदं यत्तत्त्वं ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द, जब एक ही ब्रह्म वस्तु है जब तक सविशेष ब्रह्म में प्यार न हो जाए, जब तक भगवान का सेवा का बारे में प्रत्यक्ष अनुभूति ना हो जाए तब तक बेकार है, ये कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अंतिम में निर्गुण भक्ति प्राप्त करके भगवान का निर्गुण स्वरूप जो है जगन्नाथ का भगवान का इसका बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। ऐसा करते करते
भगवान भक्ति योग का बारे में बता रहे और षष्ठ अध्याय का अंतिम में भी बताया जोगी नामों की सर्वेशम इस श्लोक के द्वारा भगवान चर्चा किए। जोगी नामों की सर्वेशम मदगति अंतरात्मना श्रद्धावान भयते जो मांग सौम्य युक्तो तम होता इसका बारे में बताया। तो ये भक्ति योग का बारे में बता रहे हैं, ये सबसे बड़ा सबसे ऊपर है क्योंकि किसी भी रास्ते में जाओ कर्म का रास्ते में ज्ञान का रास्ते में भक्त अहम एकयाग्राह्य हो ग्यारह स्कंद में 11-14 अध्याय का 21 नंबर श्लोक इसमें बताया भक्त अहम एकयाग्राह्य हो और बाकी जो रास्ता है ज्ञान योग और आप कर्म योग है ज्ञान योग सब भी है राजगुरु योग जो भी है तमाम रास्ते पे भक्ति का अगर थोड़ा टच नहीं हो जाए तो किसी भी हालत से कोई फल नहीं मिलने वाला। फल एकमात्र तो भक्ति का कृपा से मिलता है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग चैतन्य चैतामित्व मध्य खंड में बताया चैतन्य चैतामित्व में भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान कर्मयोग ज्ञान सारे भक्ति का ओर नजर डाल के भक्ति देवी का कृपा प्राप्ति करने के लिए बैठे हुए भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान किसी भी रास्ता में बिना भक्ति का टच फल नहीं मिल सकता है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्मयोग ज्ञान यही सब साधनेर अति तुच्छ बल ये सब साधन का अति तुच्छ बल कृष्ण भक्ति बिना तहा दीते नाड़े फल ये सब साधन भक्ति का अति तुच्छ फल है। भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान ये सब साधनेर अति तुच्छ बल कृष्ण भक्ति बिना तहा दीते नाड़े फल ये सब साधन भजन का अति तुच्छ बल है। कृष्ण भक्ति के बिना ये सब साधन का अति तुच्छ बल इससे पावर नहीं है उतना। कृष्ण भक्ति बिना बिना कृष्ण भक्ति ये सब किसी भी हालत से जिसी मार्ग में जाओ क्यों ना फल नहीं दे सकता। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना केवल ज्ञान केवला ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना केवल केवल जो ज्ञान है ये केवल ज्ञान के द्वारा वास्तव मुक्ति नहीं मिल सकता। केवल अद्वैतवादी ये इसके द्वारा केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना वास्तविक मुक्ति तो मुक्ति का व्याख्या है गौड़ीय दर्शन में मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित इति मुक्ति केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना कृष्ण कृष्णोन्मुखे जो लोग कृष्णोन्मुख है कृष्णोन्मुखे कृष्णोन्मुखे से ही मुक्ति हो ज्ञान बिना। अगर कोई कृष्णोन्मुख हो गया उसको ज्ञान नहीं है ये जो जो इस ज्ञान के बारे में तो फिर भी हो जाएगा उसका कोई समस्या नहीं टिकेगी। केवल ज्ञान मुक्ति दीते नारे भक्ति बिना कृष्णो कृष्णोन्मुखे कृष्णोन्मुख व्यक्ति जो है ये मुक्ति है ज्ञान बिने। केवल केवल अद्वैतवादी जो ज्ञान वो दरकार नहीं है हमारा कुछ नहीं है। आगे चलकर हम देखेंगे 14 अध्याय में ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा हम ब्रह्म का तो प्रतिष्ठा मैं ही हूं ब्रह्मो का प्रतिष्ठा मैं ही हूं ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम बताया लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। सो कृष्ण स्वरूप का जो वास्तव ज्ञान है इसके सामने निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान अति तुच्छ है इनकम्प्लीट है वो तो कंप्लीट ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसीलिए बताया
मैया आसक्त मनः पार्थो योगम जुंजन मदाश्रयः असंशयम समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि तत्श्रृणु। कैसे तुम जान पाओगे इसका विषय में कह रहे हैं भगवान। यह भगवान में आसक्त माना, ये ध्यान देना चाहिए शब्द में, ये जो मैयासक्त माना हा पहले ही एक शब्दों में कमाल कर दिया। ये अगर समझ में नहीं आए तो पूरा गीता पाठ बेकार हो गया। मैयासक्त माना, मैयासक्त माना ये बोलने से बलदेव विद्यावसन जी भी बताया और भक्तिमती ठाकुर जी ने, इसके द्वारा क्या कहना चाहता है भगवान। भगवान कहना चाहता है कि मुझ में असक्त माना हो के, अर्थात निजो उपास्य भगवान में दास्य साक्षादि कोई एक भाव में विशेष भाव लग जाए। समझा मेरा बात। भगवान में आसक्त मना होना कैसे संभव है? अगर भगवान का साथ सेवा का संबंध नहीं बना तो मैया आसक्त मना, आसक्त मना होना संभव नहीं है। आसक्त मना कैसे हो सकता है अगर इसका साथ संबंध नहीं हुआ, संबंध ज्ञान नहीं हुआ। भगवान मेरा कौन है? और जो जिस संस्कार के अनुसार उसका तो लगन लगेगा, गुरु अगर कृपा किया होगा तो इसका साथ लगेगा। भगवान का साथ कौन सी संबंध बनाएगा? लड़का है कि ब्रह्म है कि लड़का है कि शांत और अश्वदस्व, ये सब संबंध आसक्त माना बोलने से ये सब संबंध ज्ञान का बारे में जानकारी आ जाता है। यहाँ भगवान में आसक्त माना ऐसा बोलने का साथ साथ उपास्य भगवान का स्वाद दास्यो सख्यो आदि अर्थात वात्सल्य आदि सब भाव का, कोई एक भाव का स्वाद, एक भाव पक्का एकदम भगवान हमारा है, हम भगवान का है, एक भाव एकांत भाव में आश्रय करने से करके उसका शरणादि लक्षण युक्त योगाभ्यास करते करते तत्संबंधी समग्र ज्ञान लाभ होता है। नहीं तो समग्र ज्ञान लाभ होना संभव नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी को भगवान बताए ज्ञानम परमम गुज्जंग यद विज्ञान समन्वितम सरहसन तदंगन जो ज्ञान गुदित मया जवानाम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथी तत्व विज्ञान वस्तुत्व मदनुग्रहात। ये जो है ज्ञानम परमम गुज्जंग यद विज्ञान समन्वितम, ज्ञान और विज्ञान जो होता है या सरहस्यम, विज्ञान मतलब अनुभव लब्ध ज्ञान, भगवान के अनुभव में लाना। अनुभव में लाने का बाद और आगे बढ़ो, अनुभव कब, और वहां बताया ज्ञानम परमम गुज्जंग में यद विज्ञान समन्वितम। ये जो विज्ञान समन्वितम, इसमें प्रभुपाद जी ने बताए ये विज्ञान समन्वितम मतलब ये रहस्य है, भक्ति का रहस्य। भगवान का साथ संबंध जोड़ गया और दास सख्यादि किसी भी भाव भगवान का साथ जोड़ के एकदम तन मन धन लगा के भगवान को प्यार करना, एकांत भाव में आश्रय करके शरणादि लक्षण युक्त जो योग अभ्यास करते करते भगवत संबंधी समग्र ज्ञान लाभ होता है। नहीं तो समग्र ज्ञान लाभ होना संभव नहीं, पार्शियल ज्ञान हो सकता है। भगवान का बारे में पार्शियल ज्ञान लाभ हो सकता है, लेकिन समग्र ज्ञान सब तभी संभव है जब भगवान का साथ नाता जोड़ दिया, एकदम संबंध जोड़ दिया, अपना बन गया भगवान। जब भगवान अपना बन गया तो भगवान का रहस्य जानने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। मैया आसक्त मनः पार्थो योगम जुंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां, समग्रम मां यथा ज्ञास्यसि। भगवान को परिपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए मद विषयक, भगवान कह रहे हैं कि मद विषयक संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको ज्ञान, सिर्फ ज्ञान लेने से होगा नहीं, विज्ञान से भी काम नहीं होने वाला, रहस्य तदंगंच ज्ञान हो गया। तो मतलब ये
दासो सख्यादि कोई भी एक संबंध जोड़ लो एकांत भाव में आश्रय करते करते हुए शरणा शरणादि लक्षण युक्त जो अभ्यास करते करते तत्संबंधी अर्थात भगवत संबंधी समग्र ज्ञान लाभ होना संभव है। जब भगवान का ना बन जाओ, जब तक भगवान का ना बन जाओ तब तक भगवान का नॉलेज प्राप्ति करना संभव नहीं। नायम आत्मा प्रभोशन लभ्य न मेधाया न बहुन सुतेन जम एव एष तेन लभ्य तस्मात्मा विनीत तेन लभ्य। जब हमारा भगवान जब बोलेंगे हमारा है तुम, तब संभव है भगवान के बारे में जानकारी पूरा हो सकता है। तत्संबंधी समग्र ज्ञान लाभ होना संभव है। कृष्णो परतत्व है, परतत्व का शेष सीमा है, परतत्व शेष सीमा श्री कृष्ण चैतन्य परतत्व का एक्सट्रीम पॉइंट, कृष्ण ही परतत्व का शेष सीमा परतत्व है। इसका बारे में भगवान गीता में आगे चलकर यही सात नंबर अध्याय में सात नंबर श्लोक है, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयो, यह बताए जो परतत्व भगवान खुद ही बोला, श्री कृष्ण ही परतत्व। इसका बारे में भगवान खुद थोड़ा आगे चलकर सात इसी सात अध्याय का सात नंबर श्लोक में बताया, ये कोई परतत्व नहीं है कृष्ण छोड़कर, कृष्ण ही परतत्व। जा गीता में मत्तः परतरम नान्यत् अस्ति धनंजय, इसके बारे में कृष्ण भिन्न कृष्ण छोड़कर और दूसरा कोई परतत्व नहीं है, निस्संदेह इसका बारे में कोई संदेह होना जरूरी नहीं है। निश्चय संदेह सुन जी, निश्चय करिए निश्चित रूप से पक्का एकदम। सो वो जो व्यक्ति सो एकदम पक्का तैयार कर लिया, असंश कोई संदेह नहीं है उसका अंदर में किसी ही परतत्व है, ये व्यक्ति अधिष्ठान विभूति और परिकर आदि सहित भगवान को जानना, मतलब सिर्फ भगवान को नहीं, भगवान का बारे में पूरा जवान हम यथाभाव यद्रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञान वस्तु ते मदनुग्रहात, परिपूर्ण रूपी ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का परिकर, भगवान का वैशिष्ट, भगवान का लीला समाम तो परिपूर्ण ज्ञान, नहीं तो अधूरा ज्ञान है। जो व्यक्ति भगवान का अधिष्ठान विभूति परिकर आदि सहित समग्र भगवान को जानना चाहता है तो उसको इसी मार्ग में चलना है। इसीलिए ये बताया, ये वेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सावधान होकर सुनना जरूरी है। केवला भक्ति रहा है भगवान को जाना जाता है, भक्ति में भक्ता हम एक अलभ हो, भक्ति के एकदम पक्का भक्ति के द्वारा ही हम जाना जाए, इसका बारे में चर्चा हो गया। और दशम स्कंद का चौदह नंबर में ब्रह्म का स्तुति में भी आता है, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्व ते विभो क्लिशंति जे केवल अबोध लब्धये तेषा मसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्याद यथा स्थूलो तुषावघातनम। समझा नहीं, श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्व ते विभो क्लिशन्ति जे केवल अबोध लब्धये तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते नान्याद यथा स्थूलो तुषावघातिनम। निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान जो असमग्र इनकम्प्लीट है, इसका बारे में भी ये सब बताया। देखो जो ये सब तुच्छ ज्ञान निर्विशेष ज्ञान लाप्त करने के लिए एकदम प्रयास पर, वो कैसा है जैसे पैडी धानों से चाल निकल गया और तुष का ऊपर एकदम पीट रहा है इस आशा से कि उसके चाल निकलेगा, तो चाल तो निकलेगा नहीं,
क्योंकि चाल तो निकल गया, अभी तो उसका तुष परा हुआ है। तुष मतलब चाल निकालने के बाद छिलका। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने बताए भगवान को वंदना करते हुए, श्रेय श्रुति भक्ति मुगत मुदस्ते प्रभु, हे प्रभु तुम्हारा भक्ति श्रुति जो सबसे बड़ा, श्रेय श्रुति भक्ति मुदस्ते विभो क्लिशन्ति ये केवल अबोध लब्ध है, केवल केवल अद्वैत ज्ञान लाभ करने के लिए जो चेसिस में लगे हुए हैं, केवल अबोध लब्ध है। इसका बारे में बताया ब्रह्मा जी, श्रेय श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्ते विभो क्लेशन्ति जे केवल अबोध लब्धये तेषा मासो क्लेशल एव शिष्यति यो, उसका उसका परिश्रम ही बेकार है, उसका जाग जोग तपस्या आदि जो कुछ भी करे बेकार है। श्रेय श्रुतिम भक्ति मुदस्व ते विभो क्लेशन्ति जे केवल अबोध लब्धये, केवल केवल अबोध लब्धये जे जनः चेष्टन्ते तेषाम असौ तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, उसको एक क्लेश ही प्राप्त होता है, परिश्रम छोड़ के कुछ असली चीज नहीं प्राप्त हुआ। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, अब है ना इसको क्लेश ही प्राप्त होता है, नान्यत और दूसरा कुछ चीज प्राप्ति होता है, क्योंकि यथा तुषो तथा यथा यथा स्थूल तुषाभ घातनम, अर्थात चाल निकल गया छिलका पड़ा हुआ है उसका, वह पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो, क्या मिलेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं, ऐसा बताया ब्रह्मा जी। तो जो भी है चलो, तो भक्ति के बारे में कैसा क्या करना है, और भक्ति युग का इतना प्रभाव है, अगर भक्ति युग में चलते हुए जरा सा भी गलती कर दिया, पूर्व के संस्कार को आ गया, थोड़ा गलती हो गया मुझसे, क्या करे। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि इसका लिए तो कुछ समस्या नहीं है, क्यों क्यों, अगर कुछ गलती कम हो भी गया तो मैं इसका अंदर में प्रविष्ट होके उसको सफाई करने में लग जाऊंगा, ये मेरा प्रैक्टिस है। इसके हृदय में प्रविष्ट होके मैं इसको साफा करने में लग जाऊं, ये मेरा नाम है। विकर्म जच्चो उत्पतितं कथंचित, विकर्म जच्चो उत्पतितं कथंचित, थोड़ा बहुत विकर्म हो भी गया, विकर्म जच्चो उत्पतितं कथंचित धुनोति सर्वम हृदि सन्निविष्टो, हृदय में प्रविष्ट होके उसको साफा कर देंगे हम, उसका चांद्रायण आदि तपस्या का जरूरी है नहीं, कुछ दरकार नहीं, कि हम है हम इसका अंदर में प्रविष्ट होके छापा कर देंगे। ब्रह्म ज्ञान जो इनकम्प्लीट है, इसका बारे में और सारे प्रमाण है, मदियो महिमानंच परम ब्रह्मेति शब्दितम वेत्सी अश्यानुगृहितम में, गीता में भी बताया, आगे जगह 27 नंबर 14 नंबर चैप्टर में ब्रह्म नहीं प्रतिष्ठा अहम, इसका बारे में बताएं। सो भगवान का कंप्लीट ज्ञान, जवान अहम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कहा तथैव विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह, हम कैसा है हमारा भाव कैसा है हमारा परिकर सा, हमारे तमाम गुप्त रहस्य सरहस्य ये जो है, समझा मेरा, जबान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह, हमारा बार हमारा अनुग्रह से इसका बारे में उसका पूरा जानकारी होनी चाहिए, हो जाएगा। इतना सीधा है भक्ति योग का रास्ता। और चैतन्य चतुर्मिति में ये बताया भगवान, अगर कोई भक्ति करना शुरू कर दे और फिर भी उल्टा सीधा चीज मांगना शुरू कर दे, ये तो ठीक नहीं। भगवान कह रहे हैं कि इसको हम क्या करें, भगवान कह रहे हैं कि यही मूर्खो अमी पंडित, हम तो पंडित हैं, गोपीनाथ तुम ही तो पंडित हो, बोरो
मम निवेदन सनो गोपीनाथ मम निवेदन, ये कीर्तन है सुंदर, ये बहुत बहुत सुंदर कीर्तन है। इधर गोपीनाथ जी ने बताए, देखो गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, और भगवान कह रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में राय रामानंद का उदय में इधर यही मूर्खो आमी ज्ञानी एरे हैं, ए मूर्खो आमी ज्ञानी एरे विषय कहने दे, इसको मेटेरियल चीजें हम क्यों देंगे, क्योंकि इसमें तो उलझ जाएंगे, बुद्धि पुष्ट हो जाएगा। तो भगवान ये बताएं, जो भगवान कहते रहते हैं ए मूर्खो आमी ज्ञानी रे विषय के न दिवो, किस लिए इसको विषय देंगे, उससे तो अच्छा है अपना चरण का अमृत देखे, सचरम अमृत दिया विषय भुलाए, अपना चरण का अमृत दान करके इसको हम विषय भुला देंगे, विषय क्यों रखेंगे भाई, ये तो बेचारा है जानता नहीं मूर्ख है, तो इसको हम विषय में उलझने नहीं देंगे, विषय में विषय का आग में उसको छलांग लगाने नहीं देंगे, ये सबसे बड़ा कृपा होगी भगवान का। आगे चलकर दो नंबर श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः जज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्नज ज्ञानम अवशिष्यते। ये तो हमने चतुश्लोक शुक्र से बताया ना, जबानाम यथा यद रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञान वस्तुते मदनुग्रह, यही बताया यह ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः, विज्ञान का सहित जो ज्ञान है हम तुमको अभी अशेषतः विशेष रूप में बताएंगे। जज ज्ञाता जो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद नेहो न इहो भूयो अन्नज ज्ञानम अवशिष्यते, हम तुमको विज्ञान संबंधित तो ये ज्ञान के बारे में संपूर्ण रूप में बताने जा रहे हैं। इसको जानकारी प्राप्त होने से ये जगत का दूसरा कोई नॉलेज जानना अवशेष नहीं रह जाता, सब जानकारी पूर्ति हो जाती। जस्मिन गत्ते सर्वमिदम विज्ञातम भवति, जस्मिन प्राप्त सर्वमिदम अप्तुम भवति, यही भगवान है। सो ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्षामि अशेषतः जज ज्ञात्वा, जो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद नेह न इह भूयो अन्नज ज्ञान अवशिष्यते, ये जानने के बाद पुनर्बार किसी दूसरा ज्ञान प्राप्ति होने का और इच्छा ही नहीं रहेगी, अन्न कुछ भी चीज जानने का अवशेष नहीं रह जाएगा, भगवान का ज्ञान कंप्लीट है। हम तुमको भगवान, हम तुमको हमारा बारे में विज्ञान संबंधित तो एक ज्ञान के बारे में संपूर्ण रूप में बताने जा रहे हैं। जो जानकारी प्राप्ति होने के बाद ज्ञातव्य विषय जानकारी लेने का और कुछ चीज शेष नहीं रह जाता है, इस बारे में मैं बोलने जा रहा हूं, ऐसा बोल के भगवान शुरू किया। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसका व्याख्या किया कि चित और अचित शक्ति संपन्न सर्व विषयक जो ज्ञान, चित और अचित शक्ति संपन्न सर्व विषयक जो ज्ञान, इसको ज्ञान बोला जाता है। यही शक्ति द्वय से, ये शक्ति द्वय से विविक्त सर्व विषयक ज्ञान का नाम ही विज्ञान है। हम तुमको विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण रूप से उपदेश करने जा रहा है, तुम ग्रहण करो। और जो जानकारी प्राप्त होने के बाद, जो जानने के बाद और कुछ जानने का अवशेष शेष नहीं रह जाता,
भगवान चीत एवं अचित शक्ति संपन्न पुरुष, भगवान का अंदर में सब कुछ है। भगवान चीत और अचित शक्ति संपन्न पुरुष, इस स्वरूप का ज्ञान विज्ञान सहित जो ज्ञान कंप्लीट ज्ञान अभी बताने जा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि इसका बारे में बता रहे हैं, ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदम वक्षामि अशेषतः जज्ञात्वा नेहो भूयो अन्न ज्ञानम अवशिष्यते। इसका बाद दूसरा कोई ज्ञान प्राप्ति होने का कोई इच्छा ही नहीं रह जाएगा। हमने और सिद्धर समीपात कह रहे हैं, सिद्धर समीपात कह रहे हैं कि शास्त्रीय ज्ञान ही ज्ञान। सिद्धर समीपात कह रहे हैं जो हमने व्याख्या किया एक ही है, शास्त्रीय ज्ञान तो अपाप्ति इसको ज्ञान बोला जाता है, और अनुभव के साथ इसको समझना इसको विज्ञान बोला जाता है। और श्रील चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका बारे में व्याख्या किया, ज्ञानो ऐश्वर्यमय एवं विज्ञानो माधुर्यानुभव विश्वनाथ चक्रवर्ती होता है। ज्ञान ऐश्वर्यमय और विज्ञान माधुर्य अनुभव। ज्ञानम परम गुज जो व्याख्या किया सौरसम या भक्तिमठ कह रहे हैं एक ही बात, हे ब्रह्मण भगवत स्वरूपो स्वरूपोपलब्धि और रहस्य प्रेम भक्ति सहित अत्यंत गोपनीय शब्दशास्त्र प्रतिपाद्य अमार ज्ञान एवं वही प्रेम भक्ति का अंग जो है साधन भक्ति, वो हम कह रहे हैं आप ग्रहण करो। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरा चरण में प्रपन्न भक्त हो, इसीलिए तुमको हम कंप्लीट अशेष रूप से समग्र ज्ञान उपदेश करना चाहे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम हमारा प्रपन्न भक्त हो, हम तुमको अशेष रूप से समग्र भावे उपदेश करना चाहता हूं। सर्व कारणमय जो स्वरूप, सर्व कारण कारण माय जो स्वरूप, जहां ध्येय स्वरूप एतत् उभय विषय ज्ञानी बलिवार बोलने का अभिप्राय लेकर प्रतिज्ञा कर रहे हैं। जो अवगत होने से, जो जानने से श्रेय मार्गे, जो जानने से श्रेय मार्ग में निविष्टो जिज्ञासु व्यक्ति का अन्य ज्ञातव्य अवशिष्ट रहता नहीं। कारण कृष्ण जो परात्पर अखिलेश्वर मूल पुरुष स्वयं रूप भगवान, कृष्ण ज्ञान का अंतर्भुक्त है। कृष्ण ज्ञान का अंदर है ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान, कृष्ण ज्ञान का अंतर्गत अंतर में है ब्रह्म ज्ञान परमात्मा ज्ञान, कृष्ण सबसे ऊपर। इसका बारे में तीन नंबर श्लोक में बताएं, देखिए ये बड़ा रेयर चीज है। मनुष्यानम सहस्येषु कश्चित् जतति सद्धये सिद्धये, मनुष्यानम सहस्येषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामोपि सिद्धानां कश्चित् मां व्यक्ति तत्त्वतः। मनुष्यानम सहस्रेशु, सहस्र सहस्र मानव के अंदर ये सहस्र जो है, ये जो यहाँ जो सहस्र शब्द यूज किया ये सिर्फ सहस्र नहीं है,
यथा तरर्मुनिसेचनेन तिप्पन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हन्नमुच्युतेज्य यथा तररमूलनिसेचनेन तिप्पन्ति तस्कन्द भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्व अर्हन्नमुच्युतेज्य वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु बबच पथितानं पावन बबष्णभ्यो नमो नमः।